हेलो गाइस, वेलकम टू दी ओकल्ट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे आइलैंड के बारे में जिसे आइलैंड ऑफ डॉल्स भी कहते हैं। ये आइलैंड एक मैक्सिको की बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। आइलैंड ऑफ डॉल्स मैक्सिको सिटी से कुछ ही माइल्स दूर है। इस आइलैंड में 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 1500 डॉल्स पेड़ों पर लटकी हुई हैं, जो इस आइलैंड को बहुत ही ज़्यादा अजीब बनाता है। इस आइलैंड की स्टोरी मिड 20th सेंचुरी में 1950 के आसपास शुरू होती है, जब डॉन जूलियन, जो मैक्सिको सिटी में रहते थे, वो अपनी वाइफ और पूरे परिवार को छोड़ के यहाँ रहने आ जाते हैं। वो अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ क्यों रहने लगे ये किसी को भी नहीं पता, रीज़न अननोन है। और कुछ ही समय में वो अपने आप को इस आइलैंड का केयर टेकर मानने लग गए। पर एक दिन डॉन जूलियन को एक लड़की कैनाल के पानी में डूबती हुई दिखाई देती है। वो उस लड़की को नहीं बचा पाते और थोड़ी ही देर में वो पानी में एक गुड़िया को तैरते हुए देखते हैं, जो गुड़िया उन्हें लगता है उसी लड़की की होगी। और वो उस गुड़िया को उठा लेते हैं और आइलैंड के एक पेड़ पर लगा देते हैं। वो समझते हैं कि पेड़ पर गुड़िया लगाने से लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ऊपर से लड़की की आत्मा उन्हें ही डराने लग जाती है। डॉन जूलियन को ऐसा लगता है कि अगर वो पेड़ों पे और गुड़िया लगाएंगे तो लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी, तो वो और गुड़िया कूड़े कचरे से इकट्ठे करके पेड़ पे लगाने लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के वो अगले 50 साल तक ऐसा करते रहते हैं। कुछ गुड़िया नॉर्मल कंडीशंस में भी होती हैं और कुछ गुड़िया के हाथ पैर टूटे होते हैं, सर टूटा होता है, पर जैसी भी गुड़िया उन्हें मिलती हैं वो पेड़ों पे लगाते रहते हैं। डॉन जूलियन की ये कहानी सुन के मन में कई सवाल आते हैं कि वो लड़की थी कौन और सच में क्या उसकी आत्मा डॉन जूलियन को परेशान करती थी। यहाँ तक कि डॉन जूलियन की खुद की फैमिली उनकी ये स्टोरी पर विश्वास नहीं करती। उन्हें लगता है कि डॉन जूलियन की काल्पनिक कहानी उन्होंने खुद बनाई है अपने अकेलेपन में। पर यह बात तो साफ है, डॉन जूलियन ने अपनी पूरी लाइफ उस लड़की की आत्मा को शांति दिलवाने के लिए गुड़िया इकट्ठी करने में लगा दी और डॉन जूलियन की डेथ भी उनकी इस कहानी से रिलेटेड थी। जब 2001 में डॉन जूलियन की डेथ हो गई, उनकी बॉडी भी उसी कैनाल में मिली जहाँ वो हमेशा से कहते थे कि उन्हें एक लड़की दिखी थी जो डूब रही थी, जिसे वो बचा नहीं पाए। डॉन जूलियन की डेथ के बाद 2001 में आइलैंड एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया, जहाँ विजिटर्स भी अपने साथ डॉल लाते थे और पेड़ पे लगा देते थे। और ये स्टोरी कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स और टीवी शो में भी दिखाई गई है। तो गाइस, ये थी स्टोरी आइलैंड ऑफ डॉल्स की और आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वॉइस ओवर कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।